नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर में 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं असम इलेक्शन से। असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने एक बार फिर से असम को आतंकवाद से मुक्त किए जाने को लेकर श्रेय पूरी तरीके से बीजेपी को दे दिया है। इसके साथ ही 2016 से पहले असम में कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा अमित शाह ने कहा कि सालों से असम के अंदर आतंकवाद होता था, गोलियां चलती थी, युवा और पुलिसकर्मी मारे जाते थे, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। उनको सबको लड़ाने में आनंद आता है। आपने पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनाई, 5 साल में हमने असम को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 5 साल पहले मैं इसी क्षेत्र में आया था, तब मैंने कहा था कि बीजेपी और असम गण परिषद की सरकार बना कर दीजिए, हम आतंकवाद मुक्त असम बना कर देंगे। बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाइए, हम आंदोलन मुक्त असम बना कर देंगे। मैंने कहा था कि बीजेपी और असम गण परिषद की सरकार बनाइए, हम पूरी तरीके से विकास के रास्ते यहाँ पर खोल देंगे और समझौते के तहत 2/3 वादे 6 महीने में पूरे किए हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस कभी भी हिंसा, आतंकवाद और आंदोलन खत्म नहीं करना चाहती है। हमने डबल इंजन सरकार के माध्यम से असम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मोदी जी ने असम के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए और उसके अलावा तमाम ऐसे काम हैं जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए। तो उन्होंने इस दौरान बद्रुद्दीन पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे सरकार को चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बद्रुद्दीन, सरकार की चाबी आपके पास में नहीं है, असम की जनता के हाथ में चाबी है, कान खोल कर सुन लो। इस दौरान उन्होंने कई निशाने विपक्ष पर भी साधे। ए राहुल बाबा, आजकल असम के पर्यटन पर आए हुए टूरिस्ट आते ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं असम की पहचान बद्रुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, असम की पहचान भूपेन हजारिका है या बद्रुद्दीन अजमल है? जरा जोर से बोलो, भूपेन हजारिका है या बद्रुद्दीन अजमल है? बोडोपा उपेंद्र नाथ है या बद्रुद्दीन अजमल है? शंकर देव और माधव देव है या बद्रुद्दीन अजमल है? अरे राहुल बाबा, जो करना हो कर लो, जितना जोर लगाना वो लग लो, हम आसाम की पहचान बदलने नहीं देंगे। ये काला पहाड़ बद्रुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगले 5 साल के अंदर हम आसाम को पूर्णतया बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी न आ पाए, इस प्रकार की व्यवस्था। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ उमेश सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका, और केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा जी, पहला सवाल मेरा आपसे योगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस को आनंद आता है सबको लड़वाने में। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि ये हमारे देश के होम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, कभी ये कहते हैं अजमल कौन है, कभी कहते हैं बद्रुद्दीन कौन है। अरे भाई, हमारे सारे देश के वासी हैं, आप लोग क्यों हिंदू मुस्लिम भड़काते हो, आप लोग क्यों इस तरह की बातें करते हो, आप लोग हिंदुओं हिंदुओं को क्यों लड़ा रहे हो, आप लोग हिंदू मुस्लिम में जानबूझ के क्यों फिरकापस्ती कर रहे हो। वो देश के लोग है, या तो आप लोग ये समझ के बैठे हैं कि ये हमारे देश के लोग नहीं है। अगर देश के लोग नहीं है तो इनको देश से बाहर निकालो, अगर आप में हिम्मत है तो। आप होम मिनिस्टर हो देश के, प्राइम मिनिस्टर हो देश के, आप में हिम्मत तो है नहीं किसी को निकालने की। आप लोग हमारे देश के वासियों को किस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं ये सब देख रहे हैं। और नाम आप राहुल बाबा लेते हैं, अरे राहुल बाबा तो है ही इंडियन,
वो इंडिया में रहते हैं, इंडियन है वो, उनको साबित कर दो कि आप वो इंडियन नहीं है। इतनी तो शर्म करो कम से कम, देश में रहने वाले लोगों को देश की में इस तरह की भाषा बोल के क्या साबित करना चाहते हो आप लोग, क्या बताना चाहते हो देश में, कौन किस तरह की वोट मांगते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हमारे देश का होम मिनिस्टर एक बड़ी पोस्ट पे बैठा है, उसका सम्मान है हमें, लेकिन ये सम्मान को गिरा रहे हैं ऐसे लोग, जो लोग अपने प्रधानमंत्री और अपने होम मिनिस्टर जो 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 हमारी पोस्ट है उसको उसको जो सलूट करते हैं हमारे देश के लोग, झंडा बुलंद करते हैं, और ये लोग हमारे झंडे के आगे इस तरह की बात करते हैं कि ये हमारे देश का है, ये बदरुद्दीन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इस समय उमेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। उमेश सिंह जी, देश के गृह मंत्री इस तरह की बातें करते हैं कि विपक्ष को लेकर कि कांग्रेस हमेशा लड़वाने का काम करती है और लड़वाने में कांग्रेस को बहुत ज्यादा आनंद भी आता है। अब कांग्रेस का कहना है कि भाषा को संभालना चाहिए गृह मंत्री को, वो एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य पद पर है। निश्चित तौर पे ये तो अभी आपके चैनल पे कोई हमारे मित्र बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया कौन है, नाम भी नहीं जान पाया हूँ, तो केवल ढींगरा मिस्टर ढींगरा, तो ढींगरा जी जो बोल रहे हैं वो पूरा देश सुन रहा है कि शर्म आनी चाहिए और ये आनी चाहिए, और वो एक तरफ गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि हमारे देश के हैं, एक तरफ उनको क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे ये गाली गुप्ता देने का और असभ्यता करने की बात नहीं है, समय नहीं है। ये है आसाम का या पांच प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, उन प्रदेशों की प्रॉब्लम क्या है, आसाम में बाढ़ की प्रॉब्लम है, आसाम में और भी चीजों की प्रॉब्लम है, आसाम में बहुत सारी चीजें हैं जिसकी दिक्कतें हैं, वो उसके ऊपर बात करना चाहिए और उसकी बातें करना चाहिए। किसी को शर्म आनी चाहिए गाली दे देने से, वो कर देने से, इससे कोई फायदा नहीं होता है। अपनी अपनी बातें रखना चाहिए सर, चुनाव है, चुनाव में पक्ष विपक्ष अपना पक्ष रखता है और जनता को फैसला करना है। उमेश सिंह जी, अब कांग्रेस का तो ये भी कहना है ना कि बाढ़ मुक्त की बातें अब अमित शाह वहां पर जाकर करते हैं, जब सरकार थी तब बाढ़ मुक्त असम को क्यों नहीं किया? देखिए वो फैसला, वो अगर ऐसा केवल ये कह रहे हैं, ये तो क्या क्या कह रहे हैं वो सुन करके उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, मैं ढींगरा साहब की तरह बोल सकता हूँ तो वो मेरे उसमें नहीं है। अब मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि अभी वहाँ पे सरकार भी रही है ना, और जनता ने काम को देखा है। और एक ब्रेक पर जाना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी बात पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एएनपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो असम में वार पलटवार पूरी तरीके से लगातार जारी है। उमेश सिंह जी, सवाल मेरा आपसे ही है कि बाढ़ मुक्त की बातें अब गृहमंत्री करते हैं, अब तक क्यों नहीं किए? क्योंकि विपक्ष का सवाल भी है और लगभग पूरे देश का, असम का सवाल भी है। जनता पार्टी हमेशा काम की बात करती है, विकास की बात करती है, और पब्लिक और जनता, गरीब जनता की बात करती है, और वो उसके ऊपर चुनाव में भी जाते हैं, चुनाव में जहां जहां भी हो रहे हैं अपना मैनिफेस्टो भी पेश किया है और काम करके भी दिखाया है, और लोगों का जो है वो जनता के भरोसे भी, जनता के भरोसे, जनता के विश्वास से खड़े उतरते हैं, और आज वो स्थितियां है। आज हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता किसी को कि उनको शर्म आनी चाहिए या इनको ये नहीं, हम इससे चुनाव नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना रोल है, एक अपना प्लान है, उसका पूरी तरह से उन्होंने ये वादा किया है भाजपा ने कि बाढ़ की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है आसाम में, और बाढ़ की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। आसाम में बहुत सारी चीजों का है, बिजनेस का है और भी चीजों का बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसका एक मैनिफेस्टो बनाया गया है और उसकी पूरी जानकारी है, और उसके बारे में उन्होंने उस चीज के बारे में बोला है, और वो जनता के सामने देखना है। वहां सरकार भी रही है, जनता को फैसला करना है। अगर जनता में कहते हैं, विपक्ष कहे कि काम नहीं किया, आज ये नहीं किया, वो उनका काम है, विपक्ष को कहना चाहिए, विपक्ष को हमेशा जो है आगे रहना चाहिए, तभी जो है सत्ताधारी पार्टी का भी के लिए भी अच्छा होता है और उनके लिए भी अच्छा होता है, ये हमेशा जनता के लिए भी फायदे में होता है। ठीक है केवल ढींगरा जी, ठीक है केवल ढींगरा जी, उनका कहना है कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होगा, ये असम की जनता जानती है कि सरकार ने वहां पर क्या क्या काम किए हैं और किस तरीके से प्रदेश को आतंकवाद मुक्त कराया है।
देखिए ये तो जनता जानती है, इस बात की कोई दो राय नहीं है कि जनता सब जानती है और जनता वोट से अपना जवाब दे देगी, लेकिन बात ये है कि अभी भी इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने इनसे पूछा भी और विनम्रता से पूछा कि आप लोग किस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, आप लोग राहुल बाबा ने ये कर दिया, राहुल बाबा ने ऐसा कर दिया, है ना। देखिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है, इस तरह की भाषा का प्रयोग उमेश जी के नेताजी कर रहे हैं। उमेश जी के नेताजी होम मिनिस्टर है देश के, हमारे भी होम मिनिस्टर है, लेकिन होम मिनिस्टर की पोस्ट को सलाम है, लेकिन ऐसे आदमियों को क्या कहे जिन आदमियों की भाषा इस तरह की गिरी हुई है, जो ये कहते हैं कि ये अजयपुद्दीन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह के नाम का प्रयोग करके क्या वो भारतीय हैं या नहीं है। उमेश जी ने ये नहीं बताया कि जिन लोगों के नाम लिए वो भारतीय हैं या कहीं बाहर के लोग के लोग हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे, ये बात को जवाब उमेश जी ने नहीं दिया। और ये भाषा जो है ये होम मिनिस्टर की भाषा है, और इनको भी थोड़ी सी अपने अंदर भी शर्म आ रही होगी कि हमारे होम मिनिस्टर किस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे देश के भारतीय लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर वो भारतीय नहीं है तो आप उनको भारत से निकालिए, राहुल बाबा जी को निकाल दीजिए भारत से, अगर आपका मन करता है तो। आप क्यों ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, आपका अगर आपको कोई भी यहाँ पे आदमी अच्छा नहीं लगता भारत में, केवल ढींगरा जी, ठीक है केवल ढींगरा जी, एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। अब बीजेपी वाले कहते हैं या फिर गृह मंत्री भी कहते हैं कि आतंकवाद मुक्त हमने असम को कर दिया है, सहमत हैं? काजल जी बताना चाह रहा हूँ ना, इन्होंने 7 साल के अंदर देश में आज तक सिर्फ हिंदुओं को बांटा, मुस्लिम हिंदुओं को बांटा, सिख भाइयों को बांटा, जाट भाइयों को बांटा, पटेल भाइयों को बांटा, मराठा नॉन मराठा के बीच में विवाद पैदा किए, धारा 370 के बीच में जाके वहां पे मुस्लिम और हिंदू विवाद पैदा किए। इन्होंने किया क्या अभी तक? देश में लोगों की जाने जा रही हैं, देश में लोगों को नुकसान कर रहे हैं ये लोग, और फिर भी ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। असम के लोग, जनता क्यों नहीं जवाब देगी, देगी ना इनको जवाब। लेकिन बात ये है कि जो अजमल है या दूसरे हैं, क्या वो हमारे देश के वासी हैं या नहीं है, इनको ये तय करना चाहिए। अगर इन्होंने ये तय नहीं किया तो कभी CAA की बात करते हैं, कभी फिर NRC की बात करते हैं, फिर मुकर जाते हैं। अब रजिस्टर आपका कहां गया? NRC की बात अब क्यों नहीं कर रहे असम के अंदर? आपको करनी चाहिए ना। आप लोगों ने बड़े बड़े भाषण देके सत्ता को हथियाया था, उन नेताओं को ऊपर कब्जा, मैनिफेस्टो में कर तो दी थी बात, मैनिफेस्टो में बात हुई तो थी। आज NRC की बात आप भाषण में क्यों नहीं करते? आप वहां पे भाषण में जवाब दीजिए। ठीक है उमेश सिंह जी, जवाब दीजिए। अगर आप मैनिफेस्टो में NRC की बात करते हैं तो फिर भाषणों में दिखाई क्यों नहीं देता है, गायब क्यों है? देखिए काजल ठाकुर जी, अब अगर वो बार बार मेरा नाम ले लेकर के हमारे मित्र बोल रहे हैं ढींगरा साहब, तो चलो अच्छी बात है, आप सुन ले और देश भी सुन ले कि इनको जो है अगर ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे। ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उमेश सिंह जी, आपसे NRC की बात हो रही थी, बात पूरी करिए। उमेश सिंह जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से आज वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, साफ तौर पर कहा कि हमने आतंकवाद मुक्त असम को बनाया है। कांग्रेस को आनंद आता है सभी को लड़वाने में आपस में। उमेश सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। उमेश सिंह जी, NRC की बात आप कर रहे थे, क्योंकि NRC का हमने देखा मैनिफेस्टो में जब जारी किया है तो उसमें सबसे पहले NRC की बात की गई है, लेकिन भाषणों में वो कहीं ना कहीं गायब रहता है। विपक्ष का सवाल आपसे। देखिए काजल जी, मैं आपको बताऊं और हमारे मित्र ढींगरा जी भी सुन लें,
अगर सुनना चाहें तो पूरे देश सुन रहा था। अभी वो बोल रहे थे किस किस शब्दों का प्रयोग कर रहे थे गृह मंत्री के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में। इनको कम से कम ये ध्यान देना चाहिए कि आज क्यों पूरा परिवार जमानत पे है, ये इनको नहीं सुनाना चाहते। एनआरसी के बारे में हमारे मैनिफेस्टो में पढ़ लें और पूरे पांचों प्रदेश में बात हो रही है, उसको ललकार के कह रहे हैं, वो इनको नहीं सुनाई दे रहा। अभी अभी अमेठी में जो पूरी जिंदगी तीन पीढ़ियों से अमेठी ही जो है इनको सम्मान दिया गांधी परिवार को, उसके बारे में वहां की जमीन एटलस साइकिल की जमीनें कब्जा कर लिया और उसके बाद जब उस जमीन पे माफी मांग के अमेठी की जनता को सौंप देनी चाहिए तो ये लोग बेशर्मी का हद करके कोर्ट में चले गए हैं कि हमको मिल जानी चाहिए कब की जमीन इनकी वहां पे। आज जो है कश्मीर को अखंड भारत को अगर भारत बना दिया तो 370 की बात कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अमित शाह की सरकार जो आज जो है कश्मीर को मिला के आज अखंड भारत को और जो है आज अखंड भारत बनाया है अखंड भारत को उस पर ये नहीं सुनना चाहते। 2G 3G 4G और जीजा जी के बारे में नहीं सुनना चाहते। हेराल्ड के बारे में पूरा परिवार जमानत पे है उसको नहीं सुनना चाहते। किस बारे में ये देश का भला करना चाहते हैं, ये देश की भला जातिवाद के बारे में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और ये कहानी ये लोगों ने जिस तरह से धोखा दिया जिस पत्तल में खाए उसी में छेद किए पूरे लाइफ इन तीन परिवार को तीन पीढ़ियों से पूरा उत्तर भारत इनको जो है देता रहा और सम्मान देता रहा उसको ये तुरंत बांट दिए। उत्तर भारत की किस तरह से अपमान किए ये भारत उत्तर भारत पूरा और दक्षिण भारत बांटते हैं ये लोग बोलते हैं फिर उसके बाद। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो असम में पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और वही आज गृह मंत्री के भाषण में देखने को मिला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और परमवीर सिंह ने PIL में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच की मांग की है। कोर्ट में परमवीर सिंह के वकील विक्रम ननकानी और सरकारी वकील में जोरदार जिरह चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पूछा कि परमवीर सिंह ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। जब तक FIR दर्ज नहीं होती हाईकोर्ट जांच के आदेश कैसे दे सकता है। कोर्ट ने परमवीर के वकील विक्रम ननकानी से कहा कि काफी गंभीर मामला है, परमवीर की चिट्ठी में कड़वी सच्चाई बताई गई है। इससे पता चलता है कि पुलिस फोर्स में कहां दिक्कत है। ये पुलिस फोर्स में राजनीतिक दखल अंदाजी का मामला है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, सारे आरोप बेबुनियाद है, ऐसे आरोप से फोर्स का मनोबल गिरता है, इस PIL का कोई मतलब नहीं है। जिरह सुनने के बाद जज ने कहा कि जांच किसकी होनी चाहिए, परमवीर सिंह ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, FIR कहां है, केस ना दर्ज करने के लिए किसने रोका था। इसके बाद विक्रम ने कहा कि ये याचिका राजनीतिक लोगों द्वारा फोर्स में दखलअंदाजी की है। परमवीर के वकील ने इंटेलिजेंस विभाग कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला द्वारा DGP को सौंपी गई रिपोर्ट का भी जिक्र इस दौरान किया। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ संवाददाता मुंबई से समय जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आज जिरह चली काफी देर तक परमवीर की जो चिट्ठी थी उसको लेकर और इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी आपके पास? 100 करोड़ वसूली वाला चिट्ठी जो है मुख्यमंत्री को दी थी। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाई थी कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। उसको लेकर जब मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ पहल नहीं की गई उसके बाद जो है उन्होंने एक PIL दाखिल की थी मुंबई हाई कोर्ट में जिसकी सुनवाई आज होनी थी। इस दौरान परमवीर सिंह के वकील विक्रम ननकानी खुद मौजूद थे। तमाम जिरह के बाद आखिरकार माननीय हाई कोर्ट के जज ने परमवीर सिंह से एक सवाल पूछा है कि आखिरकार परमवीर सिंह ने इस पूरे मामले में FIR क्यों नहीं दर्ज किया। उस वक्त FIR नहीं दर्ज हुई जब परमवीर सिंह खुद बतौर एक आयुक्त पद पे थे। ऐसे में परमवीर सिंह के ऊपर किसका दबाव था इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि परमवीर सिंह ने जब कोई FIR ही नहीं किया तो इसकी जांच किस वजह से की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, आखिर जांच का आदेश कोर्ट क्यों दे। तो तमाम सवाल जो है अब परमवीर सिंह को ही माननीय कोर्ट ने पूछ लिया है। ऐसे में उनके वकील ननकानी का साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे मामले को गंभीरता को देखते हुए इस पर जांच होनी चाहिए। आखिर मुंबई पुलिस और इसके पूरे डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह की हलचल है, किस तरह की बातें हैं, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। तो लिहाजन इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सत्यप्रकाश, हाई कोर्ट की तरफ से चिंता जाहिर की गई है इस मामले को लेकर कि पुलिस फोर्स में पॉलिटिकल दखलअंदाजी,
अब हाई कोर्ट इस बात को लेकर चिंता जाहिर करता है तो जाहिर सी बात है ये जो मामला है लंबा खींच सकता है। जी काजल, देखिए जिस तरह से लगातार कानूनी प्रक्रिया होती है कि जब कोई एफआईआर होता है उस पूरे मामले की एक बार नीचे स्तर की जांच होती है, उसके बाद जो है आप उचली स्तर, जिस तरह से परमवीर सिंह ने मांग किया कि सीबीआई की जांच हो, ऐसे में जब इस पूरे मामले में एफआईआर ही नहीं हुई है, और दूसरी बात है कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी पूछा है कि जो भी गवाह है क्या उनका हलफनामा इस पूरे मामले में कोई है या फिर देखी सुनी बातें हैं, तो जाहिर तौर पर कोर्ट किसी भी मामले को इतनी गंभीरता से तब तक नहीं लेता जब तक उस पूरे मामले में कोई लिखित कंप्लेन या शिकायत ना हो। ऐसे में किसी तरह की कोई लिखित शिकायत नहीं है, हालांकि कोर्ट ये भी समझ रहा है कि किस तरह से पूरे मामले में राजनीतिक दौर से जो प्रेरित पूरा मामला है, राजनीतिक प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लिहाजा कोर्ट जो है परमवीर से सवाल पूछ रही है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, अगर एफआईआर किया तो कहाँ है, तो तमाम सवालों के जवाब अब परमवीर सिंह को देने होंगे। एफआईआर दर्ज ना होना कहां पर खामी नजर आ रही है इस बात को लेकर? काजल देखिए, जब पूरे मामले की संज्ञानता में कोई दम ही नहीं है तो एफआईआर किस बेस पे हो सकता है, गृह मंत्री के खिलाफ कौन एफआईआर कर सकता है। दूसरी बात है, अगर गृह मंत्री दोषी है तो उसकी सबसे पहले पुष्टि करनी होगी, उसके बाद एफआईआर होगा। इसमें बाकायदा स्टेटमेंट होता, अगर चश्मदीद दो चार जो पुलिस वाले हैं जिनके साथ इस तरह से बताया गया कि वजह के साथ इस तरह की बात की गई थी, उसके बाद तमाम पुलिस कर्मियों को बुलाकर, डीजीपी लेवल के अधिकारियों को बुलाकर जो है गृह मंत्री ने इस तरह के सवाल किए थे कि बार रेस्टोरेंट और तमाम जो अनुचित काम चलते हैं वहां से वसूली करके लाओ, तो इस तरह की जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिले थे तब तक किसी तरह से एफआईआर नहीं हो सकता। ऐसे में अब तक किसी ने गवाही नहीं दी है, तो जाहिर तौर पर इस तरह के एफआईआर होना बहुत नामुमकिन है, लेकिन लगातार जिस तरह से परमवीर ने 100 करोड़ वसूली का मामला दर्ज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा समेत तकरीबन 10 राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक की अगर बात करें तो यहाँ पर पीजीआई में आज 22 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से सनसनी फैल गई है। बड़ी बात यह है कि सभी डॉक्टर्स जच्चा बच्चा वार्ड में तैनात थे, जिसके बाद इस वार्ड को तुरंत बंद करा दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि इन 22 डॉक्टर्स में से 4 ने हाल ही में कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, और अब जच्चा बच्चा वार्ड बंद होने के बाद डिलीवरी संबंधित सिर्फ इमरजेंसी केस ही ऑपरेट किए जाएंगे। तो कोरोना की वजह से लगातार पूरे देश में खलबली मची हुई है, लेकिन लापरवाही फिर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है पूरे देश में। तीन बजे तीन खबरें, फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।